इधर से पानी आता है, हवा में नमी की मकदार 300 से ज़्यादा हो जाती है, और वही हवा जब सर्कुलेट होकर वापस इधर आती है फिर मजीद उसमें नमी जो है मजीद बढ़ती जाती है। ग्रोथ पीरियड होता है वो बेसिकली होता है इनिशियल, यानी जो पहले 6 महीनों तक का जो दौरानिया होता है वो जो सिर्फ रैबिट तक की जो है हवा का बंदोबस्त करना है वो इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी यह है कि बाहर से हवा को खींच के बाहर की तरफ दूसरे साइड पे फेंक सके। अच्छा आसिफ भाई ने साथ में कुछ ये फैंसी रैबिट्स भी रखे हुए, इसका मकसद ये कि साथ में इनको इनका कुछ कस्टमर ऐसा भी है कि फैंसी साइड दीजिए आ रहा है। फार्म का नाम है आसिफ रैबिट फार्म और ये इधर ही कहीं आसपास में है, वो सामने, हाँ वो सामने है। यहाँ पर जी रास्ता कट हुआ हुआ है, काफी ज्यादा पानी है, तो हम सोच रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा सा पीछे ही लगा रहे। ये जी शुएब इधर से होके आ गए और मैं इधर से होके आया हूँ और जिनके पास आ रहे हैं उनको अभी पता नहीं है कि हम पहुँच चुके हैं क्योंकि फार्म का दरवाज़ा अभी तक बंद है। ये जी आसिफ रैबिट फार्म है, ये इन्होंने इधर चारा लगाया हुआ है, कुछ सुपर नेपियर ग्रास भी इन्होंने लगाई हुई है, इधर ये जंगली चारा लगा हुआ है आई थिंक, और ये इन्होंने बड़ा प्यारा सा डॉगी रखा हुआ है सीजर सीजर। इधर से पानी आता है, हवा में नमी की मकदार 300 से ज्यादा हो जाती है और वही हवा जब सर्कुलेट होकर वापस इधर आती है फिर मजीद उसमें नमी जो है मजीद बढ़ती जाती है, उससे आपके इन्वायरमेंट में नमी की मकदार है आपको 90% तक जा सकती है जो कि रैबिट के लिए मुतासर। आपके पास खुली जगह है, जब कभी भी इन्वायरमेंट अच्छा हो तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और जब कभी इसको इस्तेमाल भी करना हो तो इस तरीके से इस्तेमाल करके बाहर से लगाए इसको, इसका ये जो पिछला हिस्सा है वो बाहर होना चाहिए, बाहर से फ्रेश हवा को ये सक करें और वो फ्रेश हवा लेते हैं। फिलहाल पानी बंद किया है। अच्छा फिलहाल पानी बंद रहा है, वेरी गुड। सावन का मौसम है तो पानी बंद किया है, अच्छा बगैर पानी के लगा। अच्छा जी माशाल्लाह से ये वो मीट कैटेगरी वाले रैबिट्स हैं और ये वही ट्रेडिशनल पिंजरे हैं जो कि कमर्शियल फार्म पे इस्तेमाल होते हैं, वही स्ट्रक्चर है, वही जाली, ये भी वही बेस खुद बनाया हमने। अच्छा ये भी आपसे सीख कर बनाया है क्रेडिट जाता है आपको कि आपने हिम्मत की और सारे काम आपने देखें, इससे आपको बचत हुई है। जी हाँ बिल्कुल, काफी बचत, वरना तो एक्स्ट्रा से आपके पैसे जाते हैं, लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, अच्छा वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया। अच्छा ये कार्ड वगैरह नहीं लगे हुए कार्ड? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कार्ड लगा दें और कार्ड के ऊपर इनका जो इनिशियल वेट था फिर हर महीने डेढ़ महीने के बाद इनका जो वज़न आता है उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर तो फर्ज करें सिर्फ तक ही रिजल्ट नहीं आते तो देखना पड़ता है कि खुराक में कमी है, माहौल स्ट्रेसफुल माहौल है, माहौल ठीक नहीं है, कोई ना कोई पॉइंट होता है जिसको सॉर्ट आउट करके उसको फिर ठीक करना होता है कि आपके पास अच्छे नतीजे आएँ। ओवरऑल जो ग्रोथ आनी चाहिए थी इतने वाइड में उस तरह की ग्रोथ ये नहीं है, बात ठीक है बेहतर है, इस तरीके वाला भी मतलब लग रहा है।
ये फीमेल है जी। और ये बच्चे वाइट ये भी चिंचला ऊपर ले साइड पे पहले मिनिमम पहले शुरू ये भी ये वाइट ये इस चीज का मात्रा का अच्छा प्रॉब्लम बना तो यहाँ पे टेम्परेचर वाइज क्या रिजल्ट्स होते हैं यानी कि टेम्परेचर कहाँ तक जाता है और फैन जब आप ऑन करते हैं तब कितना कुछ रिजल्ट आता है इसमें? फैन से ज़्यादा तो इस तरह फर्क नहीं होता, तकरीबन 1-2 degrees मैक्सिमम फर्क आ जाता है। टेम्परेचर यहाँ जाता है 38.5 तक मेरे साथ मैक्सिमम ये गया। और इतनी शदीद गर्मी में फिर आपके स्टेप्स क्या थे, क्या आपने कभी कभी एहतियात की? पंखे ही लगाए मैंने, पंखे लगाए, पानी मारा है नीचे, अभी तो नहीं मारा है सामान है, कच्ची ज़मीन है, हाँ कच्ची ज़मीन है, इससे थोड़ा और स्प्रे किए इन पर ताकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चीज हो जाए, तो उसे सर्वाइव कर गए काफ़ी। और ये उन दिनों की बात होगी जबकि बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ था, उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, थोड़ी सी मोर्टिलिटी भी उसमें भी तकरीबन 5-6 जो काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी थे। अच्छा, मगर मुझे पता लग गया कि एक गर्मी की वजह से फिर मैंने फौरी जो दमाद करने से वो किए। अच्छा, और पिंजरे फिलहाल यही बनाए हुए हैं, बाकी जाली वगैरह जाली थोड़ी सी रखी है, इंशाल्लाह इनका मीटिंग जब स्टार्ट करेंगे बनी जगह पर इंशाल्लाह। क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने में मुश्किल से एक महीने के बाद बाकायदा से ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी। और वही यही टाइम है आपके पास कि इनको ठीक से खिलाएं पिलाएं, इनके ज़्यादा लोड कोशिश करें चारे पे डालें, नीचे इनकी खुराक का ज़्यादा हिस्सा जो है वो चारा जात होना चाहिए। चारा आपके पास माशाल्लाह से इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल से भी कम नहीं पड़ेगा। पिछले साइड पे नड़ी लगी हुई है, इधर सुपर नेपियर लगा हुआ है, साथ में हाल से बाजरा लगा हुआ है, बाजरा जी हाइब्रिड जवार जी बार बार कटाई है। और नमी का तनासब नमी 90 तक भी गई, 90+ तक गई है, मगर ये मुसलसल नहीं मुसलसल टाइम ये इस तरह आ जाता है कि 2-3 घंटे के लिए उसका होता है, स्पेशली रात के टाइम नहीं, रात को इतना नहीं, दोपहर के टाइम मेरे साथ ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है। कवर करते हैं आप इस वजह से? नहीं, कवर भी नहीं, हवा नहीं होती, असल में सामने पौधे बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हवा थोड़ी सी रुक रही है। जी 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 जी, बहुत मुसलसल जब हवा नहीं होती तो नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता। और इसमें नर और मादा अपने अलग अलग रखते हैं? जी, नर वो वाला जो है वो नर होता है, ये मादा होता है। इसमें भी बच्चे दिए थे बगैर मतलब आपको नहीं पता था कि बेटे थोड़ा सी, हाँ पता नहीं था इसमें बच्चे, जिस वजह से ये भी कमजोर होगी अगर वो ये नारे के लिए मानवाजी। बहरहाल जो हिस्ट्री है जो हमें पता है कि स्टार्ट के 2 महीने या 3 महीने या 2.5 महीने या 1.5 महीना कमोबेश फीड इस्तेमाल नहीं हुई। हाँ, उस फीड इस्तेमाल ना होने के बावजूद माशाल्लाह से ये कह सकते हैं कि रैबिट अब पहले के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा जी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, वरना तो हमें डर था चूँकि ग्रोथ जो ग्रोथ पीरियड होता है वो बेसिकली होता है इनिशियल, यानी जो पहले 6 महीनों तक का जो दौरानिया होता है यही पीरियड होता है कि इसके दौरान रैबिट ने वजन बनाना होता है।
और उसी दौरान के जो वजन बढ़ेगा उसका असर सारी जिंदगी उस रैबिट के सेहत पे पड़ेगा। यानी कि अगर उस स्टेज पे रैबिट का वजन नहीं आया तो बाद में वो ठीक से वजन नहीं आता। तो यही एक डर था हमारे जहन में कि चूंकि फीड सिरे से इस्तेमाल ही नहीं हुई थी जो कि ज़रूरी था, यानी कि कमर्शियल बुनियादों पे ये ज़रूरी होता है कि आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर आए। यानी समझ लें कि बेहतर माँ बाप ही बेहतर बच्चे दे सकते हैं। अगर तो बेहतर माँ बाप नहीं बनते, यानी हमारे हाथ में ये है कि बच्चे को कम से कम 50 दिन 55 दिन 60 दिन तक माँ का दूध पिलाएं, उसके बाद जो है ये मुकम्मल तौर से मैनेजमेंट पे बात चली जाती है कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी खुराक का रूटीन बेहतर है, टाइम पे खुराक मिल रही है और ठीक खुराक मिल रही है, यानी ऐसी खुराक मिले जिससे उनकी जिस्मानी ज़रूरत आसानी से कवर हो सके, कि जितनी कुछ कैपेसिटी उसके अंदर होती है वजन की कि वो कैपेसिटी सामने आ सके। लेकिन बहरहाल माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पहले से बेहतर हो चुके हैं। ये जो पेशावर से आया था उसका हमने नाम दिए वो जो पेशावर से मेरे ख्याल से दो तीन रैबिट आए थे। हाँ नहीं बहुत ज़्यादा मुझे कुछ सब लगे नहीं लगे। असल में वही बात है ना कि इनिशियली अगर तो आपके पास रिजल्ट नहीं आ पा सकता तो फिर बाद में वो रिज़ल्ट मुश्किल से मिलता है। लेकिन बहरहाल इसमें आप इसको लेके चलें महीने बाद जो भी आपके पास रिज़ल्ट उसमें अगर ऐसे नर हों जो कि स्टंटेड ग्रोथ में तो बेहतर है कि उसको आप हमारे फार्म पे ला के उसको चेंज करवाएं। नरों में हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा तो होती है, इनके काफ़ी पड़े होते हैं तो बेशक आप इनको उधर लें चेंज कर देंगे आपको। हमारे पास जो बड़े साइज़ वाले होंगे जी वो आपको दे देंगे। वैसे भी मेरे ख्याल से दो तीन मादाएँ या चार मादाएँ ऐसी थी जो कि इनिशियली यहाँ पे इब्तदाई एक हफ्ते के अंदर अंदर खराब हो गई, उसका भी इंशाल्लाह हम आपको जो है चेंज करके दे देंगे। अभी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या फेस कर रहे हैं आप? मुझे ज़्यादा एक तो गर्मी से तंग, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये इसका छत जो ये हाइट कम है इसकी, बिल्कुल तकरीबन 8 फुट इसकी हाइट है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत गर्मी का इशू हो रहा है मुझे। और उस वजह जुकाम जुकाम निकालती है। अगर जिस तरह के आपने फैन लगाए हुए हैं, एक फैन वो पड़ा हुआ है, एक दो तीन वहाँ पर भी 3-4-5 लगे हुए हैं, इस सबको अगर आप एक डायरेक्शन में लगाएँ उधर से एक साइड पे लगाएं कि बाहर से वो हवा को सक करे और डायरेक्ट इस तरफ नहीं, यानी कि अगर हवा या उधर मोड़ के लगा ले या उस तरफ लगा दे इस तरफ लगा ले, यानी कि हवा को मूवमेंट दे सके शेड के अंदर। सिर्फ रैबिट तक की जो है हवा का बंदोबस्त आना थे वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी यह है कि बाहर से हवा को खींच के बाहर की तरफ दूसरे साइड पर फेंक सके। चूँकि आपके शेड की जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 30 फीट हाइट अगर कम भी है लेकिन उसको आप कवर कर सकते हैं इन चीज़ों से। यानी कि वहाँ से अगर आप हवा का ज़बरदस्त तरीके से बंदोबस्त कर लेते हैं तो ये सारे मसाइल ऑटोमेटिकली जो है आप देखेंगे रिड्यूस हो जाए। दूसरा जितना ज़्यादा चारा इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा चारा इस्तेमाल चारा तो माशाल्लाह का, यानी इतना और कोशिश करें आजकल में चूँकि हवा ये चारे में नमी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, 1-2 घंटे धूप लगाएँ उसमें से जो कीड़े मकोड़ों के जो भी बाकियात होते हैं अंडे वगैरह होते हैं या जो भी उसके होते हैं असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद डायरेक्टली ला के अगर इस्तेमाल करेंगे इतना ज़्यादा उसको ड्राई भी ना करें। और अगर इस तरह बारिश हुई हो तो हम दे सकते हैं इस तरह डायरेक्टली? देखिए डिपेंड करता है कि आपके रैबिट किस रूटीन के आदि हैं। अगर तो आपके रैबिट आदि हो चुके हैं फिर तो मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपके रैबिट आदि नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। वैसे तो ताज़ा जो बिल्कुल हम वहाँ से काट करके खिलाते हैं वो तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाँ आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम होती है रैबिट के पेट का ख़राब हो जाना, यानी कि जो खुराक होती है उस खुराक के मुताबिक इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स बनते हैं, उसके मुताबिक इंटेस्टाइन में जो है
बैक्टीरियाज का एक तनासब बनता है। अगर तो एकदम से खुराक की किस्म चेंज होती है या ड्राई से एकदम से आप ग्रीन पे फ्रेश पे जाते फिर मसाइल हो सकता है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तो पता है ये कि डायरेक्टली चेंज नहीं किया था। जी जी ये कि बारिश होती है कभी कभी मुसलसल आजकल बारिशें हो रही हैं तो ना धूप होती है तो ड्राई नहीं कर सकते जी। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि अगर बारिश का पानी लगा हो तो मेरे ख्याल में इतना कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। देखिए दोबारा बता दूँ आपके रैबिट आदि हैं तो कुछ भी नहीं होगा, रैबिट आदि नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर मसाइल होंगे। स्मेल माशाल्लाह सही है, मतलब कि सफाई का इंतजाम ठीक है, अगर तो सफाई ना होती तो ये रिजल्ट जो है वो ज़्यादा खराब होते। अब ये टोटल पिंज कितने पिंजरे बने हुए हैं, खाने कितने हैं, टोटल खाने आपके पास कितने हैं? 70 plus 80 to 90 है। अच्छा 80 के लगभग खाने बने हुए हैं आपके? और मेरे पुराने वाले साथ में कर ले तो 100 से बात होते हैं। अच्छा सर 100 से बस का मेरे साथ है। 100 केजेस है। 100 केजेस इट मीन्स के जो 60 रैबिट का पेरेंटल फ्लॉक है और उसकी जो पैदावार है वो एडजस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है और अगर एडजस्ट ना हो तो तकरीबन 15-20 खाने आपको चाहिए क्योंकि साथ है आपके कुछ और रैबिट्स भी हैं। मेरे साथ जाली पड़ी है तो उम्मीद है इंशाल्लाह 20 तक तो और भी खाने बन सकते हैं। अच्छा इंशाल्लाह 10-10 खाने बना लेंगे ना तो बनी चीज़ें तो वो भी खाती है। अच्छा ये फैंसी साइड के रैबिट्स हैं जिसमें ये रूप है जी, ये रेक्स है, साथ वाला रेक्स है, ये वाला रेक्स है, ये रेक्स है। हाँ और ये नेदरलैंड वार्क वाइट कलर में, मेल है क्यों? ये मेल है, इसका चोटी लगे हुआ है। अच्छा आसिफ भाई ने साथ में कुछ ये फैंसी रैबिट्स भी रखे हुए हैं और इसका मकसद ये है, ये नाखून काटते हैं इसके, ठीक ये इसका मकसद ये कि साथ में इनको इनका कुछ कस्टमर ऐसा भी है जो फैंसी साइड का। जी हाँ है, अभी भी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिवर्स मिल जाता है। ये जी आसिफ का फार्म हमने विज़िट कर लिया हुआ है और आसिफ भाई आपका फार्म किधर लोकेटेड है थोड़ा सा? शाह मकसूद में, ये सराय साले से आगे शाह मकसूद आता है, शाह मकसूद स्पेशल, ये बिल्कुल शाह मकसूद का स्टॉप है यहाँ पर। अच्छा मोटरवे टूल प्लाजा के मोटरवे, ये ऊपर मोटरवे है। अच्छा ये आगे सराय साले, सराय साले से 5 किलोमीटर है सिर्फ शाह मकसूद। अच्छा बस ये पुल निशानी है कि जीटी रोड के ऊपर से, ये मानसेरा रोड के ऊपर से ये पुल गया है, वो अड्डा भी यहाँ हमारे साथ नजदीक है। अच्छा अच्छा और गूगल मैप पे कोई लोकेशन दी हुई है आपने? फिलहाल तो नहीं दी। अच्छा वो भी दे दें कि इधर के करीब के कुछ लोग हों तो लाजमी बात है वो देखने के लिए सीखने के लिए शायद आपकी तरफ आ जाए। जी इंशाल्लाह ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बंदे इतना दूर तक सफर करके जाए। ठीक है इंशाल्लाह। ये आसिफ रैबिट फार्म के बाहर का व्यू है जी, ये रैबिट के गोश्त के साथ साथ ये मज़े भी ले रहे हैं जी। ये रोज़ाना इतना पानी आता है? नहीं ये बारिश के दिन में, बारिश ज़्यादा होती है तो फिर पानी आ जाता है, वरना ये सूखा होता है। अच्छा इससे आगे एक और दौड़ है वो उसमें पानी मुसलसल रहता है। अच्छा यहाँ से भी हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे जहांगीरा की तरफ। जहांगीरा में एक दूसरा फार्म है डॉक्टर रईस खान साहब का, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे और वहाँ पे विज़िट करेंगे, देखेंगे रैबिट्स की सूरत हाल क्या है। स्पेशली ये हबस का मौसम है, इस मौसम में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आइडिया होगा कि वहाँ पे इंतज़ाम कैसे हैं और ओवरऑल रैबिट की क्वांटिटी वगैरह कितनी है। हम निकल आए हैं और अभी शुएब भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं, शुएब भाई खुद ड्राइव कर रहे हैं और
यहाँ से भी आगे का हमारा सफ़र जारी रहेगा जहांगीरा तक। बरसात के मौसम में एक ज़बरदस्त किस्म का आपको व्यू देखने को मिलता है कि जितने भी पहाड़ होते हैं ये लश ग्रीन हो जाते हैं, वरना सर्दियों में इनकी जो लुक है वो इस तरह नहीं होती, लेकिन अभी ये ज़बरदस्त किस्म की लश ग्रीन जो है लुक में ये नज़र आ रहा है। कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं है जो कि ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी उस पर ना हो।